हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे कि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, अशोक भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में हमें दिया गया है क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़, जनरल रिजर्व 60,000, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स है 2 लाख, 1 लाख 50,000, टोटल है 3 लाख 50,000। एसेट्स में हमें दिया गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस, ये हमें एसेट साइड में दिया गया है। आगे देखते हैं क्या है। अशोक भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि फ्यूचर में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग क्यों रेशियो की रहेगी? 1:1:1। ये क्या है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये क्या है हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2015 फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल हमें दी गई है 3 लाख रुपीज़ की, लैंड भी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000। लैंड देखे कितना दे दिया, 1,60,000। बैलेंस शीट में हमें कितना था, 1 लाख रुपीज़ था। इट मीन्स हमें 60,000 को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड का मतलब होना है कि उसकी वैल्यू कम होना, मार्केट वैल्यू कम हो गई है 6% से। तो आप बिल्डिंग का 1 लाख का 6% निकालेंगे तो 6,000 से हमारी बिल्डिंग क्या हो गई है, कम हो गई है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस द रिटर्न ऑफ, यानी कि जो 12,000 के जो क्रेडिटर थे, अब उन्हें हमें उनकी पेमेंट नहीं करनी है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ री कंस्टिट्यूटेड फर्म। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनानी है एंड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ये मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो हमारे सारे डेबिट साइड आते हैं, प्रॉफिट एंड गेन होता है वो हमारा क्रेडिट साइड आता है। अब क्वेश्चन में देखिए, हमें दिया गया है जो लैंड है, लैंड हमारी क्या दी गई है, 1,60,000 की हो गई है। इट मीन 60,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो क्या आ जाएगा, बाय लैंड बाय क्रेडिटर्स 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी, यानी कि क्रेडिटर्स की 12,000 की पेमेंट नहीं करनी है। तो 12,000 का हमारा ये प्रॉफिट हो गया। लॉस हमें क्या हुआ है, हमारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है 6% से, तो 6,000 हमारा लॉस हो गया। इन दोनों को टोटल करेंगे 72,000 आ जाएगा। इसमें से आप 6,000 को माइनस कर देंगे तो 66,000 आ जाएगा, और जो ये हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब भी हमारी क्रेडिटेड साइड ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, यदि डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो लॉस होता है। तो यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारी क्या है, 3:1, यानी कि 3:1, यानी कि 66,000 को 3:1 की रेशियो से, यानी कि 33,000, 22,000 एंड 11,000 तीनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, जो पार्टनर्स के लिए गेन होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा वो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तीनों पार्टनर्स के हम अकाउंट बना लेंगे, पार्टिकुलर्स अशोक भीम चेतन, पार्टिकुलर्स ए बी सी, यानी कि अशोक भीम एंड चेतन, ठीक है। क्रेडिट साइड में पहले हम इनकी बैलेंस लिखेंगे, जो हमारा बैलेंस शीट में जो हमें गिवन है, बैलेंस शीट में जो इनकी कैपिटल गिवन है, ये तीनों कैपिटल हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ₹2,01,50,000। फिर हमें देखिए बेटा, बैलेंस शीट में क्या दिया गया है, जनरल रिजर्व। मैंने बताया था जब भी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन, तो जो भी रिजर्व होगा वो पार्टनर्स में हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 को। तो 60,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंट्री यहाँ पर क्या बनी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल टू भीम कैपिटल टू चेतन, यानी कि तीनों की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। किससे हो रही है, रिवैल्यूएशन से हो रही है। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके सारा प्रॉफिट्स यहाँ पर लिख देंगे। अब आती है हमारी गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी गुडविल की एंट्री करेंगे। तो वर्किंग नोट्स हमें कैसे बनाना है, देखिए, अशोक सैक्रिफाइस एंड गेन, सबसे पहले सैक्रिफाइस एंड गेन निकालेंगे। आपको पता है रेशियो क्या रहेगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
अशोक की ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6 -1/3। इनका एलसीएम लेंगे तो निकालेंगे पॉजिटिव, एलसीएम आपको आता होगा लेकिन नहीं आता तो फिर भी बता देती हूँ, 6 और 3 का एलसीएम होगा 3, 6 1 जा 3 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 2 जा 1/6 पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस करेगा कौन, अशोक। ऐसे ही भीम का निकाल लेंगे, 6 हो जाएगा 6 1 जा 6 2 2 यानी कि 0/6 यानी कि नील आ जाएगा, यानी भीम ना ही तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही हम चेतन का निकालेंगे, इसका नेगेटिव बैलेंस आएगा, इट मीन्स ये क्या करेगा, सॉरी इट मीन्स ये क्या करेगा, गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, चेतन गेन कर रहा है, इट मीन्स उसको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, चेतन हैज़ गेन सो दिस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1/6 ऑफ रुपीज़ 3 लाख की, क्या है ये हमारी गुडविल है जो क्वेश्चन में हमें दी गई है, 3 लाख का हमें 1/6 पार्ट निकालेंगे, 50,000 आ जाएगा हमारा। ऐसे ही अशोक सेक्रीफाइस कर रहा है, इट मीन्स उसके कैपिटल को हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, मैंने बताया था, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल, कितनी अमाउंट से, 50,000 से। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो बेटा आप जर्नल एंट्री बना लीजिए, जर्नल एंट्री से आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अशोक के कैपिटल क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, किसकी वजह से हुई है, चेतन की वजह से हुई है, तो अशोक की कैपिटल जब हम क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए तो ये क्या आ जाएगा, बाय चेतन्स कैपिटल, ठीक है। और ऐसे ही चेतन का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ, अशोक की वजह से, तो टू कैपिटल अकाउंट इसके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, चेतन के अशोक को मिलेगा तो अशोक के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। अभी इन सभी का हम प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई डेबिट में बैलेंस नहीं है तो एज इट इज सेम अमाउंट हमारी आ जाएंगी इन दोनों की। अब चेतन का क्या है, 71,000 टोटल है लेकिन डेबिट साइड में इसकी अमाउंट है कितनी, 50,000, तो यहाँ पर इसको 71,000 में से 50,000 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 21। इसको हम अब ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, इधर हमारी लाइबिलिटीज़ रहेंगी, इधर हमारी सारी एसेट्स रहेंगी, जिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में चेंज हुआ है उनको हम चेंज करके लिख देंगे और जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ उनको हम एज लिख देंगे। तो चलिए देखिए लैंड हमारा क्या हुआ था, 1,60,000 बढ़ गया था तो 1,60,000 लिखेंगे। बिल्डिंग हमारी डेप्रिशिएटेड हो गई थी 6% से, यानी कि 6,000 का हमें नुकसान हुआ था 1,00,000 की हमारी बिल्डिंग की, तो 94,000 आ जाएगा यहाँ पर। प्लांट एज इट इज, स्टॉक एज इट इज रहेगा, डेटर्स एज इट इज रहेंगे, बैंक हमारा सेम रहेगा, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स हमें 12,000 के हमारे कम हो गए थे, राइट ऑफ कर दिए थे तो 88,000 रह गए। कैपिटल्स जो हमने निकाली है वो सेम तीनों के कैपिटल लिख देंगे, इन सबको ऐड ओवर कर देंगे, दोनों साइड का हमारा टोटल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।